हाय गाइस, वेलकम बैक. ओ माय गुडनेस मैन, डंकी डंकी की प्लानिंग, किंग खान की प्लानिंग, खतरनाक मास्टर स्ट्रोक किया है. क्या न्यूज़ आ रही है डंकी से रिलेटेड? और भाई दिमाग हिलाओ, सबका दिमाग फट जाएगा इस न्यूज़ के बाद. क्या बड़ी न्यूज़ आ रही है, वैसे सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में. वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को लो फटाफट सब्सक्राइब. आई कैन नॉट होल्ड माई एक्साइटमेंट आफ्टर दिस नाउ. ओके, एक न्यूज़ कल या परसों सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे. मुझे नहीं लग रहा था कि वो रियल होगी, मुझे लग रहा था वो रूमर होगा, लेकिन वो 100% सच निकला यार. डंकी डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट मैंने आपको कल बताई थी, डंकी के ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी तय हो चुका है कौन कौन करने वाला है. YRF के अलावा मैंने आपको एक 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बताई थी. अब सुनो कहानी. हम सबको पता है कि YRF इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डंकी इन द ओवरसीज मार्केट. इन द इंडियन मार्केट पेनमर उधर कर रही है नॉर्थ इंडिया में. अब सुनो कहानी. YRF ने ऐसी धाकड़ प्लानिंग करी है, YRF ने प्लानिंग करी है कि टाइगर 3 की स्क्रीन्स लॉक्ड के साथ साथ ही डंकी की स्क्रीन्स लॉक हो चुकी हैं. यस गाइस, डंकी की ओवरसीज स्क्रीन्स लॉक हो रही हैं जस्ट टाइगर के साथ साथ ही. ये दोनों काम YRF एक ही बार में, यू नो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने कर रही है YRF. मैंने आपसे कहा था YRF को कभी क्वेश्चन मत करना, YRF की प्लानिंग को कभी डाउट मत करना. भाई ये लोग ना अपने खिलाड़ी हैं, ठीक है, अपने गेम को कैसे खेलते हैं लोग सोचते रह जाते हैं और एंड दे जस्ट प्लेड ऑफ. और मैंने आपको कल परसों के वीडियोस में भी कई चीज़ें बताई. हमने डंकी की स्टोरी को डिस्कस किया, हमने डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट को डिस्कस किया, इंडिया में क्या कुछ होने जा रहा है. और अब स्क्रीन काउंट्स लॉक हो चुके हैं, स्क्रीन्स लॉक हो चुकी हैं. YRF ने इतना ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक मारा है, ये तो भाई बड़े बड़ों की बाप निकली YRF इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओ माय गुडनेस, अब आएगा असली मज़ा जब जब डंकी की ओवरसीज मार्केट अभी से ही लॉक हो जाएगी. अब सुनो क्या होगा इससे. देखो, एक फिल्म के रिलीज से इतना पहले, यानी कि 2 महीने पहले, अब चलो अगर 10th को रिलीज़ हो रही है टाइगर, 10th of November को टाइगर रिलीज़ हो रही है, तो करीब करीब लगा लो एक सवा महीना पहले ही ओवरसीज स्क्रीन्स जब लॉक हो जाएंगी, या उससे पहले ही हो जाएंगी, क्योंकि अच्छा 10th November को तो रिलीज़ हो रही है ना टाइगर, तो स्क्रीन्स तो पहले ही लॉक हो जाती हैं. तो स्क्रीन्स तो लगा लो कम से कम 1.5-2 महीने पहले ही लॉक करने वाली है YRF. अगर वो लॉक हो जाती हैं तो समझ लो आसपास पूरी जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, उस मार्केट में दबदबा फैलने लगता है, न्यूज़ फैलने लगती है, स्प्रेड होने लगती है कि डंकी इज़ ऑलरेडी, यू नो, YRF हैज़ ऑलरेडी टेकन अवे ऑल द मार्केट ऑफ द ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन. और साथ में मतलब कह सकते हो कि बिना बोले प्रमोशन होना शुरू हो जाता है, बिना किसी एफर्ट के प्रमोशन होना शुरू हो जाता है. बड़ी मार्केट में बहुत बड़ा नाम हो जाता है फिल्म का कि डंकी इतनी बड़ी फिल्म है जिसने 2 महीने पहले स्क्रीन लॉक कर ली ओवरसीज मार्केट में, तो फिर उसका फ़ायदा इंडियन मार्केट को भी मिलता है, इंडियन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, वो भी एक ऑथेंटिसिटी लेवल जो है वो बढ़ाकर, क्रेडिबिलिटी बढ़ाकर बोलेंगे. और फिर ओवरसीज़ मार्केट में जो बाकी हैं, जैसे मैंने आपको गल्फ कंट्री का फार्स फिल्म्स बताया था, वो उन लोगों तक भी ये बात जब पहुंचेगी कि यार पहले ही YRF ने पहले कर लिया, चलो हम भी कर लेते हैं फटाफट, दिस हैपन्स. सो भाई साहब, वाट लगने वाली है ओवरसीज़ मार्केट को, कच्चा चबा के कहा जाएगी डंकी लिटरली. ओ माई गुडनेस, दिस इज बाप ऑफ ऑल न्यूज़. सो भाई टाइगर की स्क्रीन्स के साथ डंकी की स्क्रीन्स, ओवरसीज स्क्रीन्स लॉक हो चुकी हैं. इट्स क्या लगा आपको सुनकर ये न्यूज़, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल, विच इज कॉल्ड स्टोरी फंक्शन.